sentence. Please, continue. May I come in, sir? Oh, Mr. Vijay, please come. Good morning, sir. Good morning, Mr. Vijay. मुझे कहते हुए अफसोस है कि हम आपको अपने इंस्टीट्यूशन में और ज़्यादा दिन नहीं रख पाएंगे. I'm sorry. अब आपकी सेवा हमारे लिए मुश्किल है. Please take this letter. और अगले महीने आप प्लीज कहीं और अपना स्थान देख लें. Sorry. सर, लेकिन मैं तो यहाँ पिछले 10 सालों से ही काम कर रहा हूँ और आप कई बार आपसे ही बहुत सारी तारीफें भी सुनी हैं, बच्चों से सुनी हैं. मैंने अपने यहाँ टाइम दिया सर, और अचानक से आप मुझे बुला के, मतलब मैं वजह जानना चाहूँगा सर, इसके पीछे क्या वजह है? वजह जी, आप यहाँ पे 10 साल से काम कर रहे हैं, मुझे यहाँ करते हुए 30 साल हो चुके हैं. मैंने आपसे कह दिया आप यहाँ पे कार्य नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर पाएंगे. दिस इज द ऑर्डर. प्लीज, कितनी सिचुएशन बताऊं मैं आपको? आपकी क्लास के सामने से जाता हूं तो वहां क्या असर होता है? डिसिप्लिन नाम की चीज नहीं रह गई है. क्या आप ही यहां पे रिजल्ट दे रहे? A number of teachers are there. More than 100. Everyone is giving the best result. There will be some reason. Management know very well. So you are fired or just resign. Please go. No, not at all. Please go. अरे यार, 10 साल दे दिए यहाँ पर और बेस्ट टीचर का अवार्ड ले लिया, उसके बाद भी वो आज बुला के बोलता है भाई कल से आने की, अगले महीने से आने की जरूरत नहीं है, कोई रीजन नहीं बता रहा है. तुमने तू दीपक बता, मेरी क्लास में कभी शोर देखा तुमने? देखा? अरे नहीं, हमने तो बहुत अच्छी तरह से देखा. अरे हमने देखा बहुत सारे टीचर हमारे स्कूल में कुछ काम नहीं करते सारा दिन, इधर से इधर उधर से उधर. वो तो बड़ा मजा लेते घूमते हैं, पर आप लोग इतना सारा काम करते हैं, हम इतना काम करते हैं, हमें कोई प्रेफरेंस भी नहीं दी जाती. ये तो सही नहीं हुआ यार. सर, ये आपके साथ हो रहा है, हम तो फ्रेशर हैं, आप तो 10 साल से पढ़ा रहे हो, मैं तो फ्रेशर हूं, मेरे साथ भी हो सकता है. तो ये सर, ये ऐसे निकल गया ना भाई, ये ठीक रहा? अरे ठीक आ रहा सर, मजाक कर रहे हो? हैं, मजाक नहीं कर रहे, मैं उनको पहले भी बोलता था ज्यादा मैनेजमेंट के नजदीक रहोगे ना तो बड़ी समस्याएं. हमें भी इस लाइन में 15 साल हो गए हैं, पर ऐसे ही नहीं किसी स्कूल में टिका जाता. अपना गैप मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एक बात टीचर बड़े अच्छे हैं, बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे भी बड़ी तारीफ करते हैं. थोड़ा सा बस यही प्रॉब्लम है, स्टाफ के साथ थोड़ा सा बना के नहीं रखते. अरे सर, कल 4-5 बच्चे तो मुझे ही मिले थे क्लास के, वो कह रहे थे आप देखते हैं पढ़ाते अच्छा है लेकिन खिंचाई भी बहुत अच्छी करते हैं, आप देखेंगे. तो होना ही चाहिए मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, हो सकता है कुछ बच्चों ने ही शिकायत की हो, ये तो सब वही जाने क्या प्रॉब्लम. नहीं यार, बहुत अच्छा टीचर था, बहुत मेहनत से पढ़ाता है यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए. और बहुत सिंसियरिटी से हार्ड वर्क से उसने काम किया है, और बहुत से जो वीक स्टूडेंट थे उनका परफॉर्मेंस ने ठीक किया है. और बाकी अगर देखा जाए तो इवेंट में क्या करती है, सारा दिन बातें करती रहती है, क्लास में भी बातें करती रहती है और साथ में भी बातें करती रहती है, और हमारा इतना सिंसियर टीचर को निकालते यार, ये कैसे हो सकता है? अरे ठीक करा, निकाल दिया भाई, मेरे 2 बालक ट्यूशन के लिए गया था वो. क्या क्या मतलब है, निकालना भी चाहिए था. और सारा आदमी थोड़ी सुख ना आया करे, कहीं ना कहीं कमी भी आया करे भाई. मैं ओ विजय मंत्र साथ हूँ भाई, बहुत दुख हुआ भाई. नहीं भाई, ये प्रिंसिपल सर ने ठीक नहीं किया, मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई हूँ. ये विजय है ना, बहुत अच्छा लग रहा है. अरे इतना ही अच्छा लग रहा हूँ, कुछ करो भाई, कुछ करो. हाँ भाई, जरूर कुछ से कुछ करना पड़ेगा. मतलब ये सभी मिलके ना चलते हैं प्रिंसिपल सर से पूछते हैं रिजल्ट क्या है. भाई देखो, मेरे को लगता है प्रिंसिपल सर से आप हो जाओ आगे. मैं नहीं भाई, मैं सबसे पीछे रहूंगा. मेरे पीछे आप पीछे हो. अरे नहीं नहीं, ये प्रिंसिपल इसको आगे कर दो, ये थोड़ा सा ऐसे ही है.
Come in. Yes. Good morning, sir. Very good morning. ये इतना बड़ी भीड़ लगा के क्या बात है? हाँ, राजनीति कर रहा था क्या? नहीं नहीं सर, हम तो लंच के लिए पूछ रहे हैं। भाई साहब आप लंच करिए प्लीज। अच्छा कहिए कोई खास बात है क्या? Excuse me sir. Excuse any time. कहिए ना क्या बात है? सर हम हमारे साथी विजय के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या बात? सर पीछे को आपने निकाल दिया है बहुत। हाँ तो सर वो बहुत अच्छा टीचर है। हाँ तो इस टू मी। हाँ तो सर एक बार फिर से सोच लीजिए प्लीज। सोच लिया मैंने। और बहुत नेक टीचर है सर, उसकी बहुत सी अच्छाई है। आई नो मैम। कमियां तो सर सब में ही होती है। यस यस आई नो आई नो। अब बात नहीं है क्या कह रहे हैं सर? मैं तो मेरी तो रिक्वेस्ट है सर, आप प्लीज नाराज ना होइए। आई एम नॉट नाराज सर। देखिए वैसे तो आप बड़ी अच्छी डांट लगाते हैं, हमको बड़ा मजा आता है आपकी डांट सुनने में, पर हम एक बार ये चाह रहे थे कि आप हमें ये पता लग जाए कि व्हाट्स द रियल। भाई साहब आप एक और डांट सुनना चाह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। बड़ी प्यारी लगती है आपकी डांटें, हमारे लिए आशीर्वाद होती है, इसी कारण हम इतने आगे आए हैं। हमारा स्कूल इतनी दिन रात दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करता है, देखो नर्वस भी हो जाते हैं हम आपके सामने आगे। बहुत कुछ सीखा आपसे सर। आप मुझे ना थोड़ा इमोशनल कर रहे हैं सर। इमोशनल नहीं, देखो भाई साहब कुछ बात कहना चाहिए। आप भी कहिए। करीब 25 जी छोटे छोटे देख लो जी, एक बार देख लो जी, देखो भी जी छोटे छोटे बच्चे बिल्कुल सर स्ट्रेस में लग रहे हैं। रियली बहुत स्ट्रेस, बहुत सर। रियल सिचुएशन क्या सर? ये रिक्वेस्ट तो आप एक्चुअल सिचुएशन जानना चाहते हैं सर। विजय तुम यहाँ 10 साल से काम कर रहे हो। मैं 30 साल से कर रहा हूँ। स्कूल थोड़ा स्लो डाउन पे है, मेरे बच्चे आप लोग मेरे बच्चे की तरह ही हो। 3000 स्टूडेंट्स हुआ करते थे, 2000 तक नंबर पहुँच गया। हर साल आपको इंक्रीमेंट 10%, कभी 5%, कोई बोनस। मैनेजमेंट पे इतना स्ट्रेस है, पैसे कहाँ से है? स्टूडेंट्स कम फीस नहीं आ रही, एक एक करके मुझे आपको ही नहीं कुछ और टीचर्स को भी यहाँ से बात में हटाना पड़ेगा। सर मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन शायद मैं आपको यहाँ नहीं रोक पाऊंगा। आगे क्या होगा मुझे अपना खुद भरोसा नहीं, कब मैं 0 यहाँ पे कर दिया जाऊँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं। बस मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता था, सारी कोशिश की। आपको लगता है मैं आपके साथ नहीं? आपका प्रिंसिपल हमेशा आपके साथ होता है, देखने में ही तो स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन आपका दुख दर्द उसे मालूम नहीं होता। ये डिसीजन लेने से पहले मैंने कितना सोचा होगा, ये कागज बनाने से पहले मैंने कितना सोचा। कंप्यूटर टीचर तो रो पड़ी थी कि नहीं ये नहीं लिखा जा सकता, लेकिन क्या कर सकते। प्लीज गो सर। विजय की सिचुएशन को देखते हुए, इनके स्ट्रेस को देखते हुए हमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है सर। नहीं देखा लेकिन एक मेरे समझ में बात आती है, सोचो कुछ इस चीज का सोल्यूशन इनको रखना। भाई सॉल्यूशन का तो तरीका एक है, मैंने एक चीज देखी है, अगर अर्निंग स्कूल में कम हो रही है तो स्कूल के बाहर से कर सकता। बाहर से कैसे करें भाई? देखो भाई इसका घर फाड़ के लेके आए। घर नहीं फाड़ना भाई, घर बसाना है, दूसरा नहीं दूसरा काम करना है भाई। सा दूसरा काम हम टीचर है सर। मैं अपनी ट्यूशन से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कमाता हूँ। अगर यही सॉल्यूशन आप सभी मेरे साथ मिलकर अप्लाई करें, हम सभी मिलकर एक एकेडमी खोलते हैं स्कूल के पार्ट टाइम कोचिंग सेंटर। उससे क्या होगा कि बच्चे आजकल स्कूलों को छोड़कर या फिर नॉन अटेंडिंग होकर के कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। हम वही एक तरीका फॉलो करते हैं कि जो ट्यूशन मैं पढ़ाता हूँ, आप सब भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करके एक एकेडमी के नाम से स्कूल के अंदर पार्ट टाइम स्कूल आवर्स के
बार उससे जो अर्निंग होगी वो हम स्कूल के अंदर जमा करेंगे। भाई यो धंधा तक कसुत्ता सा है आजकल। भाई कसुत्ता कसुत्ता के छो तुमने विजय पिया था जब मेरे ट्यूशन के बोर्ड के लिए गया था। भाई मैं कब दे देता तेरे भाई ले के तुम्हारे 10 देख भाई यो रोना तो सदा रहे। पर भाई इतना तुम लोग सोच रहे हो मेरे बस 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 कर बस बस ठीक है भाई। तो ये बात कैसे करेंगे बताओ। देख भाई मेरी बिल्डिंग का पैसा सर 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 मैं भाई से बात कर रहा हूं। भाई ये भाई बहुत फालतू है हमारे में आगे आप फिर भी जवान हो ऐसे करो सर मेरे पीछे आ जाओ। जब प्रिंसिपल सर ऐसे डांटते मैं तो बीच में ही रहूंगा तो पीछे ना मैं मेंटर सर मेंटर सर हेलो मेंटर सर हाँ जी कहिए सर वी आर डिस्कस अगेन विजय सिंह के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज आपको 2 महीने हो गए। आज आप 2 महीने बाद आए हैं। 2 महीने के 3 महीने के लिए लेटर होता है 1 महीना और बचा होता है। सर वी हैव अ सॉल्यूशन। ओह व्हाट सॉल्यूशन यू हैव सर। एक्चुअली हमने ना थोड़ी एक्स्ट्रा अर्निंग करने के लिए क्या सोचा है स्कूल के बाद में हम कोचिंग सेंटर की तरह ट्यूशन सेंटर चलाएंगे। उससे जो भी अर्निंग होगी वो हम स्कूल को देंगे और विजय सर की हेल्प से हो सकती है। सर इस सिचुएशन में हम थोड़ी थोड़ी मदद सभी मिलके करेंगे तभी कर पाएंगे। अभी 2 महीने में मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं वो सारे मैं स्कूल को डोनेट करता हूँ। मेरे ट्यूशन से दिए हुए लीजिए प्लीज। 12 लाख का चेक सर कोचिंग सेंटर है छोटा सा बस। इतना ह्यूज अमाउंट आप लोगों ने अपनी मेहनत करके एक टीचर का नौकरी बचाने के लिए खर्च किया इसीलिए हमारा स्कूल इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में फैमिली की तरह जाना जाता है। आज आपने सिद्ध किया कि वही फैमिली जो कभी नहीं टूट सकती। मुझे बहुत खुशी है मैं भी आपके साथ इसमें शामिल होऊंगा। इसको आगे एकेडमी को और रन करेंगे लोगों से आधी फीस पे ही हो जाए और अपने इंस्टीट्यूट के किसी टीचर को नहीं निकलने दूंगा। You are come back. हमारे साथ एक ही बात कहना चाहूंगा।